नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अभियान के साथ, एक वोट एक नोट। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का यही अभियान है और इसकी शुरुआत प्रदेश भर में आज से हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन से इस अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री खरगोन की मलिन बस्ती धूपपुरा पहुंचे, बस्ती में पैदल घूमे, लोगों से अपील की कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार वोट जरूर दें। इसके साथ ही युवा मोर्चा वोट फॉर मोदी के लिए मोदी चाय स्टॉल लगा रहा है। मुख्यमंत्री इस चाय स्टॉल पर पहुंचे और उन्होंने भी चाय की चुस्की दी। तो खरगोन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की शुरुआत की है, मोदी फॉर पीएम और एक वोट एक नोट नाम के इस अभियान का आगाज किया गया है। प्रदेश भर में, प्रदेश के सभी जिलों में इसकी शुरुआत की गई है और युवा मोर्चा ने मोदी चाय का स्टॉल भी यहां पर लगाया है ताकि आम जनता जुड़ सके इस अभियान के साथ। एक नोट एक वोट से तो जुड़ेगी ही, वोट की अपील भी की जा रही है, लेकिन जो मोदी की छवि है उस छवि से भी लोगों को जोड़ने के लिए ये स्टॉल लगाया गया है, मोदी चाय नाम का ये स्टॉल, जहां पर आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे और उन्होंने चाय की चुस्की ली। साथ ही अब लोग भी पहुंचेंगे, जनता भी पहुंचेगी, लोगों के लिए ही इस चाय स्टॉल को लगाया गया है। वहीं ग्वालियर में भी एक नोट एक वोट अभियान का आगाज नरोत्तम मिश्रा ने किया। लक्ष्मीबाई कॉलोनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर दस्तक दी, वोट के साथ नोट मांगे। इस दौरान मोदी के पोस्टर बांटे गए। मौके पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बंसल न्यूज से खास बातचीत की।